गाइस व्हाट्सअप, तो आज हम देखने वाले हैं एबी की स्टोरी ओरिजिन्स इन हिंदी। गाइस, कई सारे लोग ने मुझको रिक्वेस्ट किया था कि एबी के स्टोरी लाइन के बारे में वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो उसके बारे में है। गाइस, अगर आपको इस वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, नाउ लेट्स गो इनटू द वीडियो। गाइस, कहानी शुरू होती है 4 साल पहले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एबी तो कुछ एक्सप्लोरेशन काइंड ऑफ कर रही है अपने पापा को ढूंढने के लिए। तो इसी के दरमियान, आई मीन इसी के बीच में, उनको ओवन नाम का बंदा देखने को मिलता है, और यहाँ पे जेरी नाम का एक बंदा भी उनको देखने को मिलता है, जिनके जो कहता है कि मैं आपको अपनी अपने पापा से मिलाऊंगा करके। सो दीज टू गाइस मिलके एक साथ, जब कहता ना, मिलके एक टीम बन के इनको पापा को ढूंढने लगते हैं। गाइस, सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी ऑफ एबी स्टार्ट्स। और यहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो लेट मी जस्ट कंटिन्यू द स्टोरी गाइस। इसी के बीच एक्सप्लोर करते करते ये तीन लोगों को उनका जो एबी के पापा का हॉस्पिटल रहता है ना, तो उसका पता चल जाता है। तो वो कहते हैं कि ये मैरलिन नाम की एक इनकी दोस्त थी, तो वो इनके इस हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे, और वो कहती है कि मैरलिन वहीं पे होगी और उन पे कुछ वो टेस्टिंग कर रहे हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे। गाइस, तो यहाँ से ही मैं एबी जो हम लास्ट ऑफ स्टोरी में देखते हैं उसकी स्टोरी उभरने लगती है। गाइस, सो अब यहाँ पे वो लोग हॉस्पिटल पे पहुँच जाते हैं। गाइस, तो हम हॉस्पिटल पे पहुँचते ही लाइक वी गेट अ स्मॉल काइंड ऑफ अ कट सीन, जहाँ पे जेरी और मैरलिन दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं अबाउट एली। गाइस, एली के जो सर्जरी जो मैंने लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 वीडियो में बोला था ना गाइस, तो मैं ऊपर कार्ड दे दूंगा, अब लिंक करके लास्ट ऑफ अस 2 का वीडियो देखते हैं। गाइस, तो वो लोग कहते हैं कि जेरी कहता है कि वो सिर्फ बच्ची है, उसको रखकर हम करना तो बहुत ही बुरा होगा। तो मैरलिन कहती है नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं होगा, और लाइक उन दोनों के बीच में बातचीत चलती रहती है कि करना चाहिए या नहीं। लाइक जेरी तो अपोज करता है पर मैरलिन उसकी बात नहीं सुनती है। गाइस, तो इसी के बीच में इन दोनों के बीच में एक झगड़ा होता, और मैरलिन कहती है कि अगर एबी होती तो तुम यही कहते हो क्या। तो जेरी कहता है कि हम इसके बारे में तो बहुत सारे दिनों से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बट ये एक सही सलूशन नहीं है, इससे किसी का भला नहीं होएगा करके जेरी कहता है। तो इसी के बीच में हमें एबी को भी देखने को मिलता है कि जैसे इन दोनों बात करते रहते हैं, तुरंत एबी आती है और एबी इन दोनों की बात सुन लेते हैं। इस वक्त एबी वो वाली एबी नहीं है जिसको हम लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 गेम में जो मस्कुलर काइंड ऑफ देखा था, वो नहीं है। शी इज जस्ट नाउ टीनेज गर्ल इन दिस पार्ट, एज इट्स 4 ईयर्स अर्लियर, 4 साल पहले। तो यहाँ पे मैरलिन कहती है जेरी से कि तुम कर दो, देर इज नो अदर वे टू गो। गाइस, तो यहाँ से कहानी पकड़ती है रफ्तार। सो नाउ लेट मी कंटिन्यू इन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टोरी। गाइस, कट सीन के बाद एबी को तुरंत एक एक्सप्लोशन सुनाई देता है। तो वहाँ पे जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि उनके पापा, जो एक्चुअली उसके पापा जेरी हैं, इनकी मौत हो चुकी है, और ये बहुत ही रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। ओवन उसे समझाता है कि नहीं नहीं तुम्हें बहुत ही धैर्य होना चाहिए। गाइस, तो हमें पता है एबी के पापा को किसने मारा, आई हैव गिवन इट इन द लास्ट ऑफ अ स्टोरी। गाइस, अगर आप उस वीडियो देखे बिना इस वीडियो पे आ रहे हैं, प्लीज़ गो इनटू दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी इंटेंसिवली। तो गाइस, इसके बाद 1 साल के बाद हमें एबी और ओवन दोनों देखने को मिलते हैं। इस वक्त किसी मेले में है लगता है, हमें लगता है ये लोग कुछ मेले में है, कुछ एडवेंचर करने हैं। तो ये दोनों तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं इसी 1 साल के बीच में। तो यहाँ से ओवन और एबी की दोस्ती की कहानी शुरू होती है। गाइस, और इसके बारे में बहुत ही डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो मैं डायरेक्टली द मेन स्टोरी में चला जाता हूँ। एक्सप्लोर एडवेंचर्स। गाइस, ओवन और एबी को एक बहुत ही बेहतरीन एक्वेरियम मिलता है जो अंडरग्राउंड है, और इस एक्वेरियम को वो लोग अपना
एक नामक हड्डा और एल्स वी कैन से अपना एक कैंप या बेस के जैसा बना लेते हैं गाइस। और यहाँ पे एक छोटा सा एक अच्छा सा सीन देखने को मिलता है गाइस, अगर आप गेम खेलोगे तो आपको पता चलेगा वो सीन क्या है। सो गाइस इसके बाद लाइक 4 मंथ्स बिफोर द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 अभी फिर उसी जगह पे जाती है और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मोर मेच्योर एंड मोर स्ट्रॉन्ग एबी। तो यहाँ पे ओवन को ढूंढते हुए वो जाती है और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ओवन हैज़ स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद अ लेडी कॉल्ड मेल। और वो उसको देख के एकदम हैरान रहता है और एबी उसको देख के एकदम खुश रहती है और ओवन के शॉक होने पे वो कहती है कि मैंने बुरा टाइम पे आया वैसा करके। और गाइस इसके बाद हमें थोड़ा एक्सप्लोरेशन काइंड ऑफ गेम देखने को मिलता है जहाँ पे एबी उसका घर पूरा का पूरा एक्सप्लोर करती है। गाइस ऐसे बातचीत करते वक्त एबी कहती है कि मैंने जोएल जो है ना जोएल द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 उसके भाई के बारे में ढूंढ निकाला है। ओवन ये बात सुनकर बहुत ही शक होता है और वो पूछता है तुमको कैसे पता चला। तो एबी कहती है कि थोड़े फायरफ्लाइज जो अंडरकवर जोएल के साथ वर्क कर रहे हैं उन्होंने इसका पता दिया। तो ओवन तो बहुत ही चिंतित होता है, वो कहता है कि क्या इस वक्त रिवेंज लेना बहुत ही ज़रूरी है, डू वी नीड टू टेक रिवेंज। और एबी कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि कितना दुख मैंने सहाया है गाइस। तो लुकिंग दिस गेम फ्रॉम एबीज़ पर्सपेक्टिव इट लुक्स लाइक एबी जो कुछ ने किया वो तो सही है, इवन दो इफ़ वी सी फ्रॉम एलिस और जोएल पर्सपेक्टिव इट वॉज राइट। तो ये गेम बहुत ही अच्छी डिज़ाइन से बनाया गया है गाइस। और यहाँ पे वो ओवन को कहती है कि मेल भी इसमें शामिल है, तो वो पहले इनकार करते थे, जैसे ही वो मेल का नाम सुनता है वो कहता है कि ठीक मैं आ रहा हूँ। और वो कहता है कि आइसैक जो है ना इनका लीडर, वो कहता है कि वो उनको कभी नहीं छोड़ेगा। और उस वक्त एबी कहती है कि आइसैक को मैं देख लूँगी और उसको पता है कि जोएल का क्या काम करना है गाइस। तो यहाँ से जोएल का अंत की प्लानिंग शुरू होती है गाइस। बहुत ही धमाकेदार से वो दिन आता है जो जोएल का अंत का दिन होता है। तो वहाँ पे जोएल और ये लोग फायरफ्लाइज सब लोग मिलकर एक जगह में रेस्क्यू करे हो जाते हैं। वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तो वहाँ पे जोएल अपना नाम बताते तो एकदम सब लोग आश्चर्यित होते हैं। उस वक्त एबी उसके पैर पे मारती है और उसी वक्त उन दोनों को पकड़ के वो कहती है कि तू ही वो जो मिलर है ना जिसने मेरे पापा को मारा था, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो इसके बारे में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के मेन स्टोरी में दिया गाइस, यू कैन गो एंड सी इफ यू वांट इट। और यहाँ पे एबी जैसे ही मारने के लिए जाती है वो ओवन कहती है तुम मत मारो, और वहाँ से जाके वो गोल्फ क्लब को लेके आती है। और इसमें रेफरेंस क्यों से दिया गया है, बिकॉज गोल्फ जोएल का फेवरेट स्पोर्ट था और गोल्फ क्लब लेके मारने लगती है। तो इसी वक्त एली आके देखकर बहुत ही चौंकन हो जाती है, एंड दिस इज़ हाउ जोएल डाइस गाइस। अब जोएल के डेथ के बाद एली को कुछ अननोन बंदे किडनैप करके ले जाते हैं, उनको वो मारकर बच निकलती है। बच निकलते वक्त उनको लेव नाम का एक बच्चा देखने को मिलता है और उसके बारे में मैंने स्टोरी लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के मेन स्टोरी में कह दी है गाइस। इफ़ यू वांट टू शेयर लिव इज अ गर्ल एंड ही इज़ द ओनली ट्रांस इन द कैरेक्टर इन दिस गेम। एंड कुछ लोग अब पूछ रहे थे कि क्या एबी ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है, नो एबी इज़ नॉट अ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर, इट इज़ लिव हु इज़ द ट्रांसजेंडर कैरेक्टर गाइस। तो इसके बाद एबी बहुत ही खून खराबा करने लगती है और इसके बाद वो टॉमी जो जोएल का भाई था उसको मारने के लिए एक ऑडिटोरियम काइंड ऑफ एरिया में जाती है। वहाँ पे टॉमी अपने आप को सरेंडर कर देता है और इस वक्त दोनों टॉमी को घेर लेते हैं लेव और एबी, और यहाँ पे टॉमी के चेहरे पे ही वहीं बुलेट मार देती है। और इसी वक्त जेसी जो एली का दोस्त था उसको भी मार देती है, और यहाँ पे एली को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है और एली खुद ब खुद सरेंडर कर देती है। और इसके बाद होता है द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट, यहाँ पे एली और एबी दोनों फाइट करने लगते हैं। यहाँ पे डीना बीच में आके एली को बचाने के चक्कर में लेव उसको वो मार देता है, और इसी के साथ डीना को मारने के हद तक चले जाती है और वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इसी वक्त लेव कहता है कि मत मारो, और एबी एल्विन लेव इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड, सो वो डीना को छोड़ देती है।
तो यहाँ पे छोड़ते वक्त वेली को वार्निंग देकर छोड़ती है कि अगले बार अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें चुपके नहीं छोड़ूंगी। तो इसके बाद होता है फाइनल फाइट का, जहाँ पे एबी एली के उंगली काट देती है, और इसी के बीच में कोई एबी के बारे में पता नहीं है, लिखा हुआ ही शी बिकेम मस्कुलर और व्हाट। और यहाँ पे मेन मुझको दुख लगा कि एली इतना सब ढूंढने के बाद एबी को ज़िंदा छोड़ देती है। मे बी बिकॉज एली टॉट डैट हर स्टोरी हैड समथिंग लॉजिक इन इट गाइस। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा गाइस। एंड इट्स मी अनीस फ्रॉम अनीस की अनीस फ्रॉम स्टोरी टेलर, सेंडिंग ऑफ अ बाय।